फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई नेक वार्मर, लेडीज़ नेक वार्मर है ये, मैंने क्रोशिए हुक से बनाया है। और फ्रेंड्स, बनाने में बहुत इजी है। इसमें सिंपल हमने स्टिच यूज़ किए हैं, सिंगल क्रोशिए, हाफ डबल क्रोशिए और डबल क्रोशिए का यूज़ किया है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी बन गया है। तो चलिए बनाते हैं आज इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आप कोई भी सिंपल वूल, किसी भी तरह की वूल यूज़ कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप क्रोशिया नंबर यूज़ करोगे। इस नेक वार्मर को बनाने के लिए हम ये वूल यूज़ कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट वूल है, बहुत ही प्यारी लगती है ये। और इसके लिए हम क्रोशिया नंबर 8 यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए ये मैं चेन बना रही हूँ, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ये मैंने 49 चेन बनाई है, 50 और 51 चेन, आप कितनी भी चेन बना सकते हो। और यहाँ पर हम जो मेज़रमेंट हैं वो 28 सेंटीमीटर, 29 या 30 सेंटीमीटर, इतनी ही सफिशेंट होगी इसकी। जो इस तरह से हम देखेंगे, ये हमारी लेंथ रहेगी उसकी। तो देखिए, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और 28, 29 भी आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, बस इतनी ही सफिशिएंट है। और अब हम ये 51 चेन की है, तो हमने 1 ये स्किप करेंगे, ये चेन स्किप करके ये हमारी रो 1 है। और नेक्स्ट स्किप 1 सिंगल क्रोशिया इन 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशिया इन नेक्स्ट चेन। तो इसी तरह हमारी फर्स्ट रो में सभी चेन्स में 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसी तरह ये 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये रो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से बना लिया है। और अब हम फर्स्ट रो के एंड में हैं, तो ये अभी हमारी 2 चेन रहती है, और ये हमारी है लास्ट चेन। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कि कितने बन गए। देखिए, यहाँ 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 49 और ये 50, ये 50 हमारे पास सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब हम यहाँ पर 1 चेन करेंगे और टर्न करेंगे। और इधर देखिए, ये फर्स्ट चेन जो है, ये वाली फर्स्ट चेन, ये वाली, इसमें हम बैक लूप से, ये वाले जो हमारे बैक लूप है, इनमें से हम बनाएंगे। ये चेन है, ये देखिए, ये चेन है हमारी, इसका जो बैक लूप है उसमें हमने सिर्फ बनाएंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ये चेन इस तरह से इसमें बैक लूप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट भी बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, और नेक्स्ट बैक लूप में। तो इस तरह हम बैक लूप में ही वर्क करेंगे। और अब हम यहाँ पर 29 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बैक लूप में बनाते हुए ये 29 सिंगल क्रोशिया मैं बना लेती हूँ। कि ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, और काउंट कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 129 सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब हम यहाँ पर मार्कर लगा लेंगे, और फिर हमें इजी रहेगा बनाना।
अब इसके बाद हमने बनाने हैं हाफ डबल क्रोशिया। ये भी हमने सारा वर्क हमने बैक लूप से ही करना। देखिए बैक लूप से ही करेंगे, तो यहाँ से थ्रेड रैप करेंगे और इस तरह लूप लाएंगे और तीनों में से निकालेंगे। ये है हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से बैक लूप में से लेंगे और ये बनाएंगे। अब ये टू हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद हमने 19 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 29 सिंगल क्रोशिया है, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 19 हमारी 50 चेन है टोटल, और 19 ये बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। इस तरह से बैक लूप से लेंगे तो इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम सेकंड रो के एंड में हैं। देखिए तो ये डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इस तरह बैक लूप में से डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम ये लास्ट लूप में बैक लूप से डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब हमारी है ये थर्ड रो। और देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से बनाना है सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट इस तरह से बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बैक लूप में से इस तरह से पकड़ेंगे और बैक लूप में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो सभी बैक लूप में से 1-1 चेन में से 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, फर्स्ट रो में हमने चेन में बनाया था, अब हमने ये बैक लूप में ऐसे ही बनाते जाना। वैसे हमने फर्स्ट रो भी ऐसे ही बनाई थी, तो इसमें सभी में यहाँ पर भी हमने 1-1 चेन में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई और इस तरह से मैंने सभी चेन्स में 1-1 सिंगल क्रोशिया बनाया है और अब हम 1 चेन करेंगे और वर्क को टर्न करेंगे और फोर्थ रो स्टार्ट करेंगे। तो ये फोर्थ रो यहाँ पर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया और अब हमने 29th जैसे हमने सेकंड रो पे किया था 29th सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमने ये बैक लूप में ही बनाने हैं। देखिए ये यहाँ से बैक लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन बैक लूप में, तो सभी ये 29th सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम 1 बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये 29th मैं बना लेती हूँ, 29th सॉरी। देखिए इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाई मैंने और अब ये हमारा है लास्ट सिंगल क्रोशिया। इस पिन को हम रिमूव करेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस पिन को हम फिर इस तरह से इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ से हमें ईजी रहेगा और अब हम नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह थ्रेड रैप करेंगे और नेक्स्ट बैक लूप में डालेंगे इस तरह से और 3 का इस तरह से इकट्ठा करेंगे। दिस इज़ हाफ डबल क्रोशिया। अगेन हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमने बनाने हैं डबल क्रोशिया इस तरह से 2 में से, अगेन 2 में से थ्रेड रैप करेंगे इस बैक लूप में, नेक्स्ट बैक लूप में डालेंगे, थ्रेड रैप करके 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से। तो अब ये हमने
डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये हमारे बनेंगे 19 डबल क्रोशिया, तो ये मैं बना लेती हूँ। अब देखिए ये 18 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए, यहाँ से स्टार्ट किए थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और एक चेन रहेगी लास्ट, और यहाँ पर हम बना लेंगे। और अब हमारे पास ये है 19 डबल क्रोशिया। अब वन चेन करेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और अब नेक्स्ट चेन बैक लूप में सिंगल क्रोशिया, अगेन हम सभी वन वन चेन की बैक लूप में वन वन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने रो अभी बनाई थी सिंगल क्रोशिया की थर्ड रो, वैसे ही हमने ये बनाना है इस तरह से। अब फ्रेंड्स हमने थर्ड रो और फोर्थ रो ये टू रोज रिपीट करते जाना है। एक रो हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेगी, एक रो में हमने 29 सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 19 डबल क्रोशिया बनानी है, और एक लाइन में सारे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, और टोटल स्टिचेस हमारे पास हैं 50। तो ये हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जितना हमारे नेक में आएगा उतना पार्ट हमने बनाना है। तो ये मैं बना करके थोड़ा सा फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है, और देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बनाना, इसे इस तरह से हम बना रहे थे ये, और यहाँ से बनाते हुए ये हमारी लास्ट रो बन गई है। अब हम यहाँ से ये हमारा नेक बन रहा है, तो ये नेक मैं मेजर करके इस तरह से ब्रेड्थ इसकी बता देती हूँ ऐसे कि ये हमारा कितना बना है। तो देखिए यहाँ से हम मेजर करेंगे ऊपर वाली साइड, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, और ये हमारा है ये 47 सेंटीमीटर और 18.5 inches है। और अब हम देखिए ये हम इसकी जो है राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो अब हमने इस तरह से इसको ये रॉन्ग साइड ऊपर करेंगे और इस तरह से इसे करेंगे, और अब हम ये साइड इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, और हमारा ये थ्रेड इस साइड है। तो देखिए ये दोनों रॉन्ग साइड मैंने ऊपर की हैं, और अब हम इसे इस तरह से ये ज्वाइन करेंगे शोल्डर। आप नीडल के साथ भी कर सकते हो, क्रोशिया हुक भी यूज़ कर सकते हो। अब हमारा ये लास्ट स्टिच है, ये मैंने ऐसे ही ले लिया, और अब हम ये देखिए यहाँ पर ये वाली चेन लेंगे हम, और इधर से हमने ये वाला स्टिच इस तरह से लेंगे। तो पहले हमने इधर स्टिच है हमारे पास, और ये वाला फर्स्ट चेन लेंगे और इस तरह से निकालेंगे। अब नेक्स्ट चेन ये वाली लेंगे, और इधर से हम देखिए नेक्स्ट चेन ये वाली है, तो ये लेंगे, और यहाँ पर अब हम ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और थोड़ा लूज़ करेंगे, टाइट नहीं करेंगे। अब देखिए ये वाली नेक्स्ट चेन लेंगे, और इधर से ये नेक्स्ट लूप लेंगे और इस तरह से निकालेंगे, और इस तरह से निकालेंगे। अब नेक्स्ट चेन लेंगे, इधर से भी नेक्स्ट, और इस तरह हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते जाएंगे, ये लेंगे और फिर हम इस तरह, और इसी तरह हम ये पूरा पार्ट जो है ये ज्वाइन कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इस तरह से ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर हम थ्रेड कट कर देंगे, और अब आपको मैं ये पलटा करके दिखाती हूँ सीधा करके। और देखिए फ्रेंड्स ये हमारी यहाँ पर ये स्टिचिंग हुई है, ये हमारी स्टिचिंग है देखिए, और बिल्कुल सेम हमारा, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट रो थी वो थी सिंगल क्रोशिया की, और लास्ट रो हमने डबल क्रोशिया वाली बनाई थी, तो इसलिए ये हमारी देखिए स्टिचिंग जो है यहाँ पर है, और बिल्कुल इस तरह से मैच कर गया है। और फ्रेंड देखिए अब हम पहनते हुए इसे इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा,
इस तरह से फोल्ड होगा। और फ्रेंड्स ये बॉर्डर आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हो इसकी। और ये वाली जो ब्रेड्थ है ये भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही लंबा बनाइए और उसके बाद इसे ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये बन करके कितना सुंदर लग रहा है। तो बनाइए फ्रेंड्स आप भी इसे। ओके फ्रेंड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।